गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। कल वाला जो ब्लॉग है ना, रात में एंड नहीं कर पाए क्योंकि घर आते आते हम लोगों को ना 8:30 हो गया और उससे ज़्यादा ही होगा, मैंने टाइम नहीं देखा। क्योंकि जब हम शायद बैठ रहे थे ना कार में, तो आई थिंक 7:45 या 7:50 ऐसा हो रहा था और घर तक का रास्ता पूरा 1 आवर का है। बहुत बहुत ज़्यादा कल थक गई थी, तो बात करने का मन भी नहीं था, हेडेक भी हो रहा था। और आज सुबह से भी ना, अभी देखो टाइम 11 बज रहे हैं और सुबह से टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो बस मैंने सोचा कि अभी शॉवर लेती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है और ब्रेकफास्ट यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी होता है, वो सब किया। और अभी भाई बोल रहे हैं कि चलो बाहर कहीं घूम के आते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट शॉवर ले लेती हूँ, क्योंकि इधर ऐसा आता है ना तो टाइम का पता नहीं चलता कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। टाइम निकाल के मैंने सोचा कि मैं अपना फेस वेस ठीक करी थी कि आप लोगों से भी बात करती हूँ। और अभी ना आप सब लोगों से मैं मिलवाऊंगी सब लोगों को, क्योंकि मम्मी से बहुत लोगों का मिलने का मन था। तो बस रेडी होती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। कल हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो गई ना, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था अगर 2 या 3 आवर्स और होते ना तो हम लंदन ही पहुँच जाते। मतलब 4.5 घंटे फ्लाइट के अंदर ना पक गए हम लोग, सच बहुत ज़्यादा। कल तो बस ये था कि फ्लाइट वालों का कि उन्होंने हमें किसी तरह पहुंचा दिया, बस उनके लिए वही बड़ी बात थी क्योंकि हमारे पास भी कुछ और ऑप्शन नहीं था। मैं सबसे पहले रेडी होने के लिए चले गई, क्योंकि यहाँ पे ना अभी भी ये सब लोग बैठ के एक्सपेरिमेंट और ये सब कर रहे हैं। कल साइंस किट लेके आई थी ना, तो आदू को काफ़ी पसंद आई और ये वही लोग, मतलब ये सब लोग मिलके ना वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो पहले आपको वो दिखाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। बस क्या होगा इससे अभी? डूब गया ना अंदर से, गीला हो गया ऊपर। हाँ, पर ऊपर आ रहा कुछ तो, आ रहा है। इसकी वीडियो लो, इसकी बन गया। ओ वाओ, क्या हो रहा है दीदी? आप इधर तो नाइस, वाओ, इधर बन मित, देखो मॉलिक हो रहे बाप, कट कट कट, बोलो कैप लगाओ, कैप 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 लगानी है? नहीं, कैप नहीं लगानी, बस ये है भैया का बेटा आदू। आदू हेलो बोलो। हेलो। हेलो आदू, को एक्सपेरिमेंट पसंद आया? मजा आया साइंस किट में? तो अभी सब लोग हो गए हैं नहा धो के रेडी, क्योंकि किसी को भी बिना नहाए धोए वीडियो में नहीं आना था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी हम लोग बाहर निकल रहे थे तो सब लोगों से आपको मिलवा देती हूँ। मम्मी को तो आपने देखा है ना, मम्मी को तो सब लोग जानते जानते हैं, भाभी को भी जानते हैं है ना, भाभी को भी जानते हैं। देखो मिल लो वापस भाभी से। फ़ोन आ गया फिर से, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये मेरे भैया, हेलो। तो भैया ये है मेरी छोटी सी फैमिली, वो हमारे पति, उनको तो आप जानते ही होंगे सब लोग, है ना। चले मम्मी, अब बुढ़ी होगी तो मम्मी का हाथ ना पकड़ के चलना पड़ता है। देखो इतनी बुढ़ी नहीं हुई पूरी स्किन विस्किन सब ढल गई मम्मी की, अपना दर्द किसी को बताएंगे नहीं। मुझे आ गया यहाँ पे वो करके ना, वो पूरा जैसे कंट्री साइड होता है ना एकदम,
पूरा वही व्यू, और यहाँ पे सबके छोटे छोटे पॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे वो फिश का सबका बिजनेस है ना आई थिंक, तो सब ने ऐसे लगाया और बीच में फिश वगैरह भी पकड़ रहे थे, तो हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे एक जगह कार पार्क की और अभी हम लोग वॉक करके जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेल है, ट्रेल क्या बोलेंगे इसको, ट्रेल नहीं बोलेंगे ना, ऐसे वुडन ब्रिज है ना, वुडन पाथ बनाया है सब लोगों ने अपना अपना ऐसे ना, और क्रॉस करने के लिए रिवर्स पॉन्ड ये सब, तो मतलब वहीं पे हम सोचे कि एक बार क्रॉस करते हैं, देखते हैं। वो ये लोग तो यहाँ पे भी चले गए। अनवित जैसे उतरे मम्मी थोड़ी थोड़ी फीलिंग हुई है ना, जैसे भेड़ के बाग में जाग रहे थे एकदम नीचे उतरते ही भेड़ बाग में, भेड़ के बहुत लोग भी फॉलो कर रहे हैं हमें, और नहीं तो क्या, सबको सबको हेलो हेलो बोल दो, भेड़ के बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं देखो मम्मी, देख लो बैठ वालो। ये देखो फिश नेट है ना, जब सौरभ फर्स्ट टाइम गए थे ना बेहट है ना, हाँ। तब हमने वो बाग में पेड़ पे चढ़ चढ़ के फोटोज खिंचवाई थी है ना, और सौरभ ने चूल्हे पे रोटियां बनाई थी ना, हाँ। याद है बाजरे की, हाँ चूल्हे पे लास्ट टाइम था वो, हाँ। बाजरे की और हाँ चूल्हे पे रोटी, वो फोटोज भी है हमारे पास ना, हाँ। भाभी के पेड़ पे चढ़ के फूक मारते हुए एकदम, और मजेदार थी वो। तो अभी हम लोग आए हैं टोली, और ये कलकत्ता का ओल्ड क्लब में से एक है, तो गोल्फ कोर्स है, बाकी काफ़ी मतलब सारी चीज़ें हैं, तो इट सीम्स यहाँ का लंच काफ़ी अच्छा है, और भैया के पास यहाँ की मेंबरशिप भी है, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा एरिया लग रहा है ये, कभी देखते हैं। मुझे एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मैं ऐसे गोल्फ क्लब ना पहली बार आई हूँ, क्योंकि कभी मैंने ऐसे गोल्फ क्लब देखे नहीं हैं, अभी देखते हैं क्या इन्जॉय करेंगे। इसमें बस पनीर की डिश मंगा लेंगे। लंच हो गया है, और यहाँ का लंच रियली बहुत यमी था, काफ़ी कुछ खाया, उसके बाद गाजर का हलवा मंगाया, और फिर फिरनी एक खाई, तो और मंगाई आइसक्रीम खाई, मतलब ओवरऑल ना खाना यहाँ का टेस्टी है, और व्यू तो ऑब्वियसली बात है यहाँ का अच्छा है ही, तो अभी हम लोगों ने सोचा कि खा पी के ना एक छोटी सी वॉक ले लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं गोल्फ कोर्स वाला एरिया, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर के लिए, बाकी भाई ने कहीं और भी जाने के लिए बोला है, देखते हैं कहाँ पे, तो यही आज का रहने वाला है। बेसिकली मायके में आके ना फुल मस्ती, आंखों से ही आपको मेरी खुशी का अंदाज़ा होगा, क्योंकि जो मायके का सुख है वो कहीं नहीं है। सो अभी हम लोग आए हैं विक्टोरिया मेमोरियल, और हम यहाँ पे मतलब सब कुछ बंद है, तो यहाँ पे सब लोग बाहर ही फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम लोग भी यहाँ पे ही कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग लग रही है, दिखाती हूँ आप लोगों को।
कैलकटा येलो टैक्सी। अभी हम लोगों ने आके ट्राम भी देखी थी और जो पुलिस मैन है वो भी सब वाइट ड्रेस में है, तो हमारी तरफ से सब वो ब्राउन ड्रेस में रहता है ना, और यहाँ पे वो वाइट ड्रेस में देखा, तो मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है ये वाली सिटी का, और बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है ना सौरभ, है ना, अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे घूम के। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने भाई का, क्योंकि वो ना हमें ड्रॉप करके बोला कि तुम यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह कर लो। ये देखो सफ़ेद बाल कैसे उड़ उड़ के आ रहे हैं, ये फोटोग्राफी वगैरह कर लो और तब तक मैं आता हूँ। तो वो हमें ड्रॉप करके ऐसे चले गए, हमने सोचा हम यहाँ थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह कर लेते हैं, और ऐसे मतलब अलग सा एक्सपीरियंस है। सोंदेश कोकोनट वाला नहीं लोगे? ये इधर ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा था कोलकाता टोली, और जो लोग कोलकाता में रहते हैं उनको आइडिया होगा। और बस वहाँ पे हम लोगों ने खाया पिया, लंच बहुत अच्छा था, फिर वहाँ पे वॉक वगैरह किया। बाकी यहाँ पे जो घूमने वाले प्लेसेस हैं वो तो सब बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि कोलकाता में काफ़ी सारे प्लेस हैं ना, जैसे विक्टोरिया और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब पे लॉकडाउन है। लेकिन हम लोगों ने वो सब ईडन गार्डन और ये सब जो भी चीज़ें हैं, वो सब हावड़ा ब्रिज, वो सब ऐसे मतलब कार से ही देखा, और इट वॉज रियली फन और एक नया एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये सिटी हमारे लिए एकदम न्यू है। और चलिए बस आज का जो व्लॉग है वो मैं यही पर ही फिनिश करूँगी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो बेसिकली अपने मायके में मैं फुल फन इंजॉय था आज मेरा, आज का दिन, और ऐसे ही आज आगे के दिन भी रहेंगे। और चलिए आप लोगों से मैं मिलूंगी जल्दी ही बहुत अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।